हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। देखिए, आज के जो हमारा वीडियो है ये किसी टॉपिक या सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर आप सभी छात्र वर्ग का ध्यान आकर्षित होना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा किसी छात्र विशेष समूह का या किसी परीक्षा विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना आप सभी छात्र वर्गों को इन फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि जो हमारा YouTube चैनल है CGPSC ई पाठशाला, उसमें पिछले दो दिनों से एक कमेंट बार बार रिपीट देखने के लिए मिल रहा था। वो था आपका CGSI भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ा हुआ मुद्दा। वर्ष 2018 में आपकी छत्तीसगढ़ में SI भर्ती परीक्षा, आरक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए बहुत से छात्रों ने उसमें आवेदन किया था और हर एक छात्र ने लगभग 1000 से 1200 रुपये का फीस उसमें पे किया था। और वो 2018 से वो परीक्षा पेंडिंग होते होते 2019 और 2020 तक अभी भी वो परीक्षा पेंडिंग में है। देखिए, ये मुद्दा सामने आया कैसे। एक्चुअली क्या है, जो हमारे अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे आपके SSC रेलवे की एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी कारण जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मन की बात YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था, जिस पर छात्रों का गुस्सा देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपकी मन की बात वाले जो आपका वीडियो है उसमें लाइक्स से ज़्यादा डिसलाइक्स आए। छात्रों ने उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना प्रारंभ किया, अपनी मांगों को रखना प्रारंभ किया, जिसका नौबत यह आ गया कि उस जो आपका वीडियो है उस वीडियो के आपके कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ करना पड़ा। उसमें कोई अब कमेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि छात्रों का गुस्सा उस कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल रहा था। और जैसे ये चीज़ सामने आया, उसके बाद पूरे भारत भर में से, हर राज्यों में से, अब हर राज्य के जो आपके स्टूडेंट है, हर राज्य में जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र है, वो भी अब अपने राज्य की सरकार से जगह जगह जो आपके पेंडिंग परीक्षा जो बचे हुए हैं, जो आपके परीक्षा जो काफ़ी समय से आपके हुए नहीं है, उन परीक्षाओं को कराए जाने की मांग करने लगे। जैसे एक्चुअली क्या है, आप लोग के जब कमेंट स्टार्टिंग में आ रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मुद्दा अचानक से उठा क्यों। फिर किसी ने बाद में एक लिंक शेयर किया जो कि आपके CGPSC नॉलेज YouTube चैनल के अमरदीप सर के द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था। उसमें उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही बातें हैं वो। ठीक, जो पैसा आप लोगों ने दिया वो पिछली सरकार द्वारा उसे खर्च कर दिया गया। वर्ष 2018 में आपके विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए, हमारे प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, दूसरे पार्टी की सरकार बनी। जो पहला जो आपका SI भर्ती परीक्षा है वो पिछली सरकार के द्वारा लाया गया था। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ आप छात्रों की बात हो रही है। आपने कोई मुफ्त में वैकेंसी नहीं निकली थी, उस वैकेंसी के लिए आप लोगों ने पैसा दिया हुआ था। अब सरकार परिवर्तन हो या कुछ भी हो, आपको वो SI भर्ती परीक्षा आपका हक है, आपको जो मिलना चाहिए। देखो, एक्चुअली क्या है, अभी जो हमारे प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है और जो हमारे प्रदेश में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, उसका थोड़ा कारण समझिएगा और उस कारण को रिलेट करते हुए आगामी परीक्षाओं में ये किस प्रकार से प्रभाव डालेगा इसको समझिएगा। इसको कोई भी राजनीतिक मुद्दा लेकर के नहीं चलना है। कोई BJP सरकार, कोई कांग्रेस सरकार करके यहाँ पर अब सरकार को लेते हुए नहीं चलना है, कोई सरकार का समर्थक या कोई विरोधी नहीं बनना है। अभी हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो हमारी सरकार है। वो कोई कांग्रेस या BJP की सरकार नहीं है, हमारी प्रदेश सरकार है, वो हमारी सरकार है। तो हम अपने सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे प्रदेश में जो आपका राजनीतिक परिवर्तन हुआ कि एक राजनीतिक दल गया और दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनी, ये जो आपका राजनीतिक परिवर्तन हुआ इसका मेन मुद्दा था आपका कृषि, किसानों को लेकर के आपकी जो घोषणाएं की गई एक राजनीतिक दल के द्वारा, उसके कारण हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और एक सरकार गई और दूसरे पार्टी की सरकार बन करके आई। तो यहाँ जो एकदम इतने समय से जो बनी हुई सरकार थी वो अचानक से कैसे पलटी हुई एक किसान के मुद्दे को लेकर के, कृषि के मुद्दे को लेकर के। देखिए, अभी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा अगर आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं लाई जा रही है, जितनी भी योजनाएं लाई जा रही है वो सभी के सभी आपके किसानों के हित में कृषि क्षेत्र की योजना है। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे आपका गोवर्धन योजना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वनोपजों से रिलेटेड आपका योजनाएं लाया जा रहा है, उनके लिए बीमा योजना लाया जा रहा है, उनके लिए आपका संग्रहण जो उनका मूल्य है उसको बढ़ाया जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि उन किसानों का पैसा दिए जाने के लिए हमारे प्रदेश सरकार द्वारा 8 से 9 बार RBI से कर्ज लिया जा चुका है। हमारे प्रदेश सरकार के पास पैसा बचा नहीं है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि अपने द्वारा किए गए घोषणाओं को पूरा करने के लिए, जो घोषणा करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार जो है उसे RBI से कर्ज लेना पड़ रहा है 8 से 9 बार। नौबत यहां तक आ गई है कि प्रदेश सरकार के पास अभी जेब में पैसा नहीं है और ऊपर से आपका ये COVID-19 कोरोना के संक्रमण के कारण सरकार की हालत और भी खस्ता हो चुकी है।
हमारे यहाँ जो है आपका कोई भी वैकेंसी के लिए जो अप्रूवल दिया जाता है वित्त विभाग के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। वित्त विभाग जो कि सरकार के सारे पैसे का हिसाब किताब रख रहा है, सरकार का पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार का पैसा कहाँ जाएगा और सरकार के पास अभी कितना पैसा मौजूद है। जब तक वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जब तक कोई भी वैकेंसी को अप्रूवल नहीं मिलता, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। और वित्त विभाग को पता है कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जाएगा और कहां पैसा जाने वाला है। सरकार की सारी नीतियों का जो है उसके पास लेखा जोखा है और उसे पता है कि सरकार को इतने इतने पैसे इन इन योजनाओं के अंतर्गत देने हैं। अगर कोई भी आपका एक वैकेंसी निकलता है आज के डेट में, तो उस वैकेंसी के अंतर्गत जो भी पोस्ट भरे जाएंगे, उस पोस्ट के अंतर्गत जो भी छात्र चुन करके उसमें जाएंगे, उनका सैलरी पे करना पड़ेगा उन्हें। और कोई एक दो महीने की सैलरी नहीं, अगले 20 से 25 साल तक, 30 साल तक, जब तक आप उस पोस्ट में रहेंगे, आपका पूरा खर्चा उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को उठाना पड़ेगा। जो कि अभी वर्तमान सरकार के पास जो पैसा नहीं है, उस पैसे न होने के कारण वो अभी ये कोई वैकेंसी निकालना चाहता भी नहीं है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा रुका हुआ है। देखिए, ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो केवल एक मुद्दा मात्र है, इसका आगे जो है हर आगामी परीक्षाओं में आपको इसका जो है आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि सरकार जो कार्य कर रही है वो कोई गलत कार्य, ठीक है, हमारे प्रदेश में किसान जो है काफी पिछड़े हुए वर्ग है, तो उन्हें जो है आपका सरकार जो योजनाएं ला रही है काफी हद तक ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। किसी एक के हक को मार करके किसी दूसरे को आप जरूरत से ज्यादा अगर चीजों की पूर्ति करेंगे तो ये आपका सही चीज नहीं है। देखिए, एक्चुअली क्या है, अभी हमारे प्रदेश में जो राजनीति चल रही है ये वोट बैंक की राजनीति में आ चुकी है। आप जो छात्र लोग हैं, जो बेरोजगार छात्र है, आपकी जनसंख्या उतनी नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में किसान परिवारों की संख्या लगभग 37.5 लाख के आसपास किसान परिवार है। यहाँ किसान परिवार की बात हो रही है, अगर एक परिवार में 2 से 3 सदस्य अगर हम लेते हुए चले तो इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाती है। तो सरकार को क्या है, अपने आगामी चुनाव के लिए उन्हें वोट बैंक भी बचाना है, वोट बैंक बचाना है। इसके लिए जो है इन्हें सरकार खुश करने के लिए पड़ी हुई है। आप छात्र वर्ग, आप लोगों की संख्या कितनी है, अभी मार्च 2020 में जो आपका रिपोर्ट आया था, हमारे प्रदेश में लगभग 22 लाख आपके बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है। अभी शिक्षित बेरोजगार का मतलब यह नहीं कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले की संख्या मात्र 2 से 2.5 लाख या 3 लाख छात्र है जो आपके पीएससी, व्यापम या सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 2.5 से 3 लाख है। अभी लास्ट जो पीएससी 2019 का जो एग्जाम हुआ उसमें कितने छात्रों ने फॉर्म भरा था, 1,10,000, 1,15,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। अगर व्यापम को भी जोड़ दे, सीधी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी जोड़ दे, तो मात्र आप लोगों की संख्या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी संख्या 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा नहीं है। तो सरकार आपके ऊपर फोकस करेगी ही क्यों? और सबसे बड़ी गलती तो यहां आप छात्र वर्ग की ही है, जो आपस में ही आप लोगों में यूनिटी नहीं है। देखो, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में क्या है, देखो, सरकार के ऊपर जब तक किसी चीज़ का दबाव होता नहीं है तब तक सरकार उस चीज़ों पर ध्यान देती नहीं है। और हमारे यहाँ हमारी जो आपकी युवा वर्ग है वो शिक्षित जरूर है लेकिन वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। किसी मुद्दे के लिए अगर कोई आंदोलन करने के लिए कोई तैयारी करता है या कोई आपको बोलता है कि आगामी वैकेंसी के लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं कि आप सभी को यहाँ पर एकत्र होना है, तो कोई एकत्र होता नहीं है। क्यों एकत्र नहीं होता? क्योंकि आप शिक्षित है। किस प्रकार के शिक्षित? कि 4 घंटा जा करके उस आंदोलन में शामिल होने से ज्यादा बेटर है कि मैं घर में बैठ करके 4 घंटा पढ़ाई करूं। ऐसे पढ़ाई का मतलब ही क्या कि जो आ गया आपको किसी वैकेंसी में काम ही ना आए। कोई 4 घंटा जाकर के अपने वहां टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो कहां से आप लोगों का कोई आंदोलन सफल होगा? शिक्षा भर्ती, जो आपका अभी जो शिक्षा कर्मी का जो संविलियन हुआ, चुनाव से पहले शिक्षा कर्मियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उनका फल उनको अभी मिल भी गया, संविलियन का सरकार ने घोषणा भी कर दिया। तो ऐसे बड़े आंदोलनों की जरूरत होती है। अब आप में से बहुत से छात्र क्या बोलेंगे कि सर आंदोलन तो आपको रायपुर में होता है, हम कोरिया से है, हम सरगुजा से है, हम रायपुर, हम आपके दुर्ग जिले से है, तो हम कहां से जाकर के एकत्र हो सकते हैं? तो आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जाकर के एकत्र होना, लेकिन आपको अपनी बातों को रखना भी आना चाहिए। और बातों को रखने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बातों को कहीं पर भी जाकर के रख रहे हैं, सही जगह पर यूज करने आना चाहिए। एक चाय के ठेले में बैठकर के 4 लोगों के सामने ज्ञान हर किसी को बांटना आता है। राजनीतिक मुद्दा पर बात करना, बेरोजगारी मुद्दे पर बात करना हर किसी का आदत है, लेकिन अपने बात को ऐसे जगह पर रखिए जहां कोई सुने और सुन करके उस पर कोई उचित कार्यवाही हो।
आप लोग क्या करते हैं, किसी आपके YouTube चैनल पर जाकर कमेंट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे किसी फेसबुक, अगर मान लीजिए कोई एक आपके करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई एक पोस्ट आता है किसी भी आपके यूट्यूब किसी भी आपके फेसबुक ग्रुप में, अगर कोई एक पोस्ट आता है वो सरकार की आपके किसी न किसी योजना से रिलेटेड है, तो आप लोग वहां आकर के कमेंट करेंगे ये फालतू की सरकार है, ये राजनीति मात्र है, हमारे साथ धोखा हुआ है। उस पोस्ट के नीचे आपका सुनने वाला है कौन, किसको सुनाना चाह रहे हैं, किसको जताना चाह रहे हैं, उस ग्रुप में जुड़े हुए लोगों से जो आपके उस जो कमेंट करेंगे उसमें 2-3 लाइक दे देंगे बस। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उस बात को आप किसके तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपना जो जिस मुद्दे को आप लाना चाहते हैं उसका उपयोग आप सही जगह पर करिए। देखिए पहली बात तो ये कि हमारे प्रदेश में जो है आपकी यूनिटी की कमी है, जितने भी आपके छात्र वर्ग है उनमें यूनिटी की कमी है। कुछ तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही शिक्षित समझते हैं जो इस आंदोलनों को जो है बेकार समझते हैं कि हमको सामने नहीं आना है, जो 2-4 लोग आंदोलन कर रहे हैं हम उनका घर बैठे समर्थन करेंगे, फेसबुक में जाकर के उनका हौसला बढ़ा लोगे बस कि आप लोग साथ दीजिए हम आपके साथ हैं, तो साथ देने के लिए जाके भीड़ में शामिल होइए। लेकिन वो भी आप लोग से करके नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया 4 घंटा कोई वेस्ट नहीं करना चाहता, भले फेसबुक में 2-2.5 घंटा घसीटते हुए निकाल दोगे आप लोग, लेकिन कोई एक जगह एकत्र होकर के आपका उस आंदोलन का भाग बनना नहीं चाहेगा। और यही सबसे बड़ी गलती है कि हमारे प्रदेश में जो है इस युवा बेरोजगार वर्ग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन अब इसको है, अब आप ये मत बोलिएगा कि हम जाके कैसे एकत्र हो, अभी तो COVID-19 का समय है, तो COVID-19 तो अभी आया, इससे पहले भी जो है हमारे प्रदेश में बहुत सारे आपके बेरोजगार संघ बने हुए हैं, उसमें आप कौन सा चले गए। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आपका वर्ष 2019 का जो CGPSC प्री का जो प्रारंभिक परीक्षा जो कि होने वाला था, जो कि 0-0 ईयर घोषित होने वाला था, सरकार के ऊपर दबाव बना तब जाकर के वो एग्जाम सरकार को कराना पड़ा। सरकार ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी करके क्या बोला कि दैनिक, देखिए ये जो 0 ईयर का जो खबर है दैनिक भास्कर में आया हुआ था, दैनिक भास्कर कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, उसके सोर्सेस बहुत तगड़े होते हैं तब जाकर के वो ऐसा न्यूज़ लाता है। सरकार ने तो खंडन कर दिया कि हम इस न्यूज़पेपर की बातों को, इसके मुद्दे को खंडन करते हैं, लेकिन ये एक प्रतिष्ठित समाचार पेपर था दैनिक भास्कर, जिसने आपके 0 ईयर की बात रखी थी, जिसके बाद छात्र वर्ग जागा और एकत्र होकर के उन्होंने जो है सरकार को मजबूर किया वैकेंसी निकालने के लिए। तो ये घटना हर बार नहीं हो पाती है। चलिए ठीक है, आपका ये भी मुद्दा समझ गया कि आप लोग अलग अलग जिलों से संबंध रखते हैं, लेकिन आप लोग टेक्नोलॉजी का तो यूज करना जानते हैं, सोशल मीडिया पे तो अवेयर है ना आप लोग, आपके पास फेसबुक होगा। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं, सोशल मीडिया का मतलब हमारे लोग जो है केवल 2 ही चीज़ों को जानते हैं, एक होता है फेसबुक, दूसरा व्हाट्सअप। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग हाई प्रोफाइल के हैं तो एक इंस्टाग्राम चलाते होंगे, उसमें भी कोई हीरो हीरोइन को फॉलो कर लिए बस वही बहुत बड़ी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई करंट अफेयर के पेज को फॉलो कर लोगे आप लोग। लेकिन अब आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात हमारे प्रदेश के सरकार तक पहुँचानी है। और कैसे पहुंचानी है, आप बेरोजगार जरूर है लेकिन शिक्षित बेरोजगार है, अपने सभ्यता में रह करके अपने उचित शब्दों का प्रयोग करके, कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएगा। और कैसे पहुंचाना है ये मैं बता रहा हूं अभी। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ट्विटर, ना ही फेसबुक, ना ही व्हाट्सअप, ना ही इंस्टाग्राम, सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कीजिए ट्विटर। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे मूक बधिर होकर के मत बैठ जाइएगा कि ठीक है जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको ट्वीट करने दीजिए, हम बैठ के तमाशा देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना सभी को आता है, लेकिन उस गंगा को साफ करने का थोड़ा सा बीड़ा उठाइए आप लोग भी। अब देखिए 2-2.5 लाख जो छात्र वर्ग है, अगर इस यूट्यूब चैनल की बात करूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर है, ये बात कितने लोगों तक पहुंचेगा, मुश्किल से 10,000-15,000 लोगों तक। उस 10-15,000 लोगों में भी जो है जो बात मैं बताने वाला हूं उसको मुश्किल से 5,000 लोग फॉलो करेंगे, इतने थोड़े से में कुछ नहीं होता। 100 लोग जाकर के आंदोलन करते तो सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वही आंकड़ा अगर 1,000-2,000 का हो जाता तो सरकार को दबाव में आना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज आपको ट्विटर इंस्टॉल करना है, कोई फेसबुक पे आवाज नहीं उठाएगा, कोई व्हाट्सएप पे नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे नहीं, सबसे पहले ट्विटर इंस्टॉल कीजिए और जो चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करते हुए चलिए। देखिए सबसे पहले आप ट्विटर, अब कई लोग का तो ऐसा होगा कि ट्विटर चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे बहुत सारे बने हुए हैं ट्विटर कैसे इंस्टॉल करें, ट्विटर में कैसे ट्वीट करें। और देखिए ट्विटर एक बहुत बड़ा हथियार है आज के डेट में, हमको ट्विटर पे अपनी बातों को ट्रेंडिंग नहीं करवाना है, लेकिन जो बात आप रखना चाहते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। और 1-2 लोग कमेंट करेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, अगर 1-7 कमेंट करेंगे तो हर कोई ध्यान देगा। देखिए 2 चीज बता रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं उसको समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला चीज,
ट्विटर में जाएंगे, ट्विटर में एक ट्वीट का ऑप्शन रहता है, उस ट्वीट के ऑप्शन में जाकर के सबसे पहला चीज आप मेंशन करेंगे ये हैशटैग, हैशटैग सेव सीजीएसआई 2018। सबसे पहले हम सीजीएसआई 2018 की बात कर रहे हैं, इसमें यह मत सोचना कि इसमें जो आपका ट्वीट है केवल एसआई भर्ती परीक्षा वाले लोगों को ही करना है, वो भी आपके छात्र वर्ग है, उनका समर्थन दीजिए उन्हें। आपको सामने आने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, कम से कम घर में बिस्तर में बैठे बैठे तो अपना समर्थन दे सकते हो। तो सबसे पहले ट्वीट करते समय हैशटैग सेव सीजीएसआई 2018, उसके साथ हैशटैग स्पीक अप फॉर सीजीएसआई 2018, हैशटैग स्पीक अप फॉर सीजीएसआई 2018। इसके साथ साथ हमें जो है जो पीएससी और व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बात को रखना है, तो हैशटैग स्पीक अप फॉर सीजीपीएससी व्यापम स्टूडेंट्स। ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, जो आप लोगों के द्वारा जो कमेंट में जो आप लोगों ने हैशटैग लिखा था उसमें से कुछ जो अच्छे लगे मेरे को, मैं उन चीज़ों का चयन करके आया हूँ। सभी को एक साथ इसी को फॉलो करना है, कोई अपना अलग से हैशटैग बना के चलने मत बैठ जाना। इन तीन को पहले मेंशन कर लीजिए, फिर उसका चौथा आपको जो मेंशन करना है कि मैं बेरोजगार हूं तो मैं ऐसा हूं तो मैं वैसा हूं, वो बाद में करते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले इन तीन चीजों को मेंशन कीजिए। हैशटैग सेव सीजीएसआई 2018, हैशटैग स्पीक अप फॉर सीजीएसआई 2018, हैशटैग स्पीक अप फॉर सीजीपीएससी व्यापम स्टूडेंट। कहीं पर भी बीच में स्पेस नहीं देना है, पूरा कंटिन्यू लिखना है, तभी ये हैशटैग बनता है पूरा। फिर बीच में जो है अपने कमेंट को लिखिए, कमेंट को क्या लिखना है, कोई भी जैसे कि मैंने बताया आप बेरोजगार है लेकिन शिक्षित बेरोजगार है, तो अपने शिक्षित होने का प्रमाण देना है ना कि अशिक्षित होने का। कोई भी ऐसे शब्दों को नहीं लिखना है या कोई भी ऐसे आक्रामक या हिंसात्मक शब्द या अपशब्दों को नहीं लिखना है जिससे दूसरे की भावना आहत हो। गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हो तो थोड़ा सा शालीनता में रह करके शब्दों का चयन करके ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जिससे सरकार को लगे। अभी देखा मैंने फेसबुक में कुछ आपकी कविताएं चल रही थी जिसमें आपका ये बेरोजगार वर्ग के लिए एक कविता जो है काफी वायरल हो रहा है, हमारे प्रदेश के किसी स्टूडेंट ने उसे लिख करके दिया है। तो वैसे आप फोटो भी शेयर कर सकते हैं, कुछ मीम बना के शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बीच में ये हो गया, फोटो शेयर कर दिए, अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हो उसे बात रख दिए। उसके बाद आपको मेंशन करना है कुछ लोगों को अपने पोस्ट को टैग करना है। टैग कैसे करना है ये भी बता रहा हूं, @भूपेश बघेल, @छत्तीसगढ़ CMO, @गवर्नर CG, @Dr. Charan Das, @Tamradhwaj Sahu 0। ये हमारे प्रदेश के आपके मंत्री और राज्यपाल हैं। आप जैसे ही इन सभी के नाम मेंशन करोगे तो ये पोस्ट जो है इनके ट्विटर हैंडलर जो है उनके पास जाएगा। किसी फेसबुक के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करने से आपका कमेंट उनके तक नहीं पहुंचता है। ये चीजें फॉलो करोगी तो ये कमेंट उनके अकाउंट होल्डर, देखिए जो आपका ट्विटर जो है ये मंत्री बैठ के चलाते नहीं है, लेकिन इनका जो आपके जो ट्विटर जो होल्डर रहते हैं उनके तक ये बातें पहुंचेगी। भूपेश बघेल जो आपके प्रधानमंत्री सॉरी जो आपके मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी है उनके द्वारा ट्विटर में हर रोज सुबह और शाम कोई ना कोई पोस्ट किया जाता है, अपनी नीतियों से जुड़ा हुआ पोस्ट या किसी भी चीज से जुड़ा हुआ पोस्ट, तो ये आपके ट्विटर में एक्टिव रहते हैं। छत्तीसगढ़ CMO, आपका CMO ऑफिस का है। गवर्नर CG, हमारे प्रदेश की जो आपकी राज्यपाल है अनुसुईया उके, उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ये। डॉक्टर चरण दास जो हमारे प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका ट्विटर अकाउंट है। ताम्रध्वज साहू के आगे जीरो लगा हुआ है, ये हमारे प्रदेश के आपके गृह मंत्री है। इनका नाम आपको, इनका जो अकाउंट है ये मेंशन करना है @ के साथ। अब चूंकि हमारे प्रदेश में किनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो @राहुल गांधी को टैग कर दीजिए, @INC छत्तीसगढ़ यानी कि आपके नेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ अकाउंट को है आप टैग कर दीजिए, INC इंडिया आपके BJP फॉर CG स्टेट, इनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे DM अवस्थी सर को आप टैग कर सकते हैं जो हमारे प्रदेश के DGP है। बातों को रखना है, बड़े लोगों तक आप बहुत बात पहुंचा रहे हैं, शालीनता के साथ पहुंचाइए। ये बात आपकी पहुंचेगी, लेकिन कब पहुंचेगी, जब नंबर ऑफ ट्वीट्स ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बातों को रखेंगे और एक समान रखेंगे। एक समान का मतलब इस चीज को चेंज मत होने दीजिएगा। आपको अपना कुछ हैशटैग चलाना है, इस तीन के बाद अपना चौथा हैशटैग चलाते रहिए, लेकिन सबसे पहले देखो हमारे प्रदेश में जो है आपके अवेयरनेस की कमी है, ये चीजें ट्रेड नहीं होने वाली ट्विटर पे,
लेकिन हमारी बात जब ज़्यादा लोग इन चीज़ों को ट्वीट करेंगे तो बात पहुँचेगी। आपको ये मत बोलना कि हम ग्रामीण अंचल से, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता, ट्वीट करने के लिए कोई आपके नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। एक बार करिए तो सही और अपनी बात पहुँचाइए, अच्छे शब्दों में पहुँचाइए, शब्दों का चयन करके पहुँचाइए। ये तो आप ट्वीट करेंगे, आपकी जो भूपेश बघेल जी है, जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जो आपकी गवर्नर अनुसुईया उके है और जो आपके ताम्रध्वज साहू है, इनके द्वारा ट्विटर में हर रोज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया जाता है। तो उनके ट्विटर में जाकर के कमेंट कीजिए, उनके ट्विटर में जाकर के सेम ऐसा हैशटैग लगाते हुए अपनी बातों को रख करके कमेंट को पोस्ट कीजिए। कमेंट वहां कीजिए, कमेंट किसी फेसबुक ग्रुप में जाकर के मत कीजिए। उनके ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट वो कर रहा है, जो चीजें शेयर कर रहा है, किसी आपके पर्व से जुड़ा हुआ वो शुभकामनाएं देना चाह रहा है, तो वहां पर जाकर के उसके कमेंट में जाकर के, ट्विटर कमेंट में जाकर के वहां पर आप अपने बातों को रखिए। और बातों को रखना भी कैसे है, इस हैशटैग के साथ रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक मत कर दीजिएगा, और ये तीनों को एक साथ चलाना है ताकि बात पहुंचे। देखो हमारे इस बात का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम हमें बात रखना तो है। जो इतने समय से शांत बैठे हो, आप लोग का यह कहना है कि हम समर्थन देने के लिए कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, घर में बैठे बैठे कम से कम ट्विटर तो चला सकते हो। अच्छा चलिए ठीक है, ट्विटर के साथ साथ फेसबुक का भी बता रहा हूँ, फेसबुक में भी आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ऑफिशियल पेज बना हुआ है, वहां आप उनको टैग नहीं कर सकते, पेज बना हुआ है, उनके पेज में जाइए, उनके द्वारा जो चीज पोस्ट किया जाता है वहां पर भी इस हैशटैग के साथ अपनी बातों को रखिए, तब जाकर के चीजें जो है सामने आएगी, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। और एक एक करके करने का कोशिश मत कीजिएगा, अभी शाम का लगभग 6:30 बज रहा है अभी, आज शाम को इत्मीनान से बैठ करके जो दो चार लोग जो ऑलरेडी ट्विटर पे है उन लोग जाकर के ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है रात को अभी ट्विटर अकाउंट बनाइए, और कल सुबह 10 बजे के आसपास आप सभी से निवेदन है कि एक साथ ट्वीट कीजिए। पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निवेदन कर सकते हैं, उन सभी से निवेदन करके इस हैशटैग और इन सभी को मेंशन करते हुए ट्वीट करना चालू कीजिए। दिन में कम से कम आप 10 बार जो फेसबुक खोलते हैं उस 10 बार में से एक बार कम से कम जो है आप ट्विटर खोलिए, सुबह कम से कम एक बार ट्वीट कर दीजिए, या आपके जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी है उनके ट्विटर अकाउंट में जाकर के जहां वो पोस्ट कर रहे हैं वहां पर जाकर के अपने बातों को रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ आप कट कॉपी पेस्ट करके हर जगह उसी चीज़ को चिपका रहे हैं, बदल बदल के अपने बातों को रखिए, वरना जो आप एक ही चीज़ चिपकाते रहेंगे तो ट्विटर जो है उसको स्पैम घोषित करके उसको हटा देगा आपके हर कमेंट को। चीज़ों को बदल करके रखने का आदत डालिए, और इसको अभी 3-4 दिन तक रिपीट कीजिए। फिलहाल अभी तो फिलहाल आपका कोरोना वायरस का जो है मुद्दा के कारण हर चीज़ों को अनदेखा करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बातों को रखना स्टार्ट कीजिए। अभी फिलहाल ऐसा ही भर्ती के लिए आवाज़ उठाइए, धीरे धीरे आपका हम PSC और व्यापम के लिए भी आगे बढ़ेंगे, वरना ये भी ईयर जीरो ईयर घोषित होने में समय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो जब हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के, पूरे देश भर में जब आपका जो कोरोना वायरस अपने चरम पर था, तब उस समय ACF की वैकेंसी निकालना कहां तक सार्थक था। ACF की वैकेंसी उस समय निकाली गई जब सारे के सारे वैकेंसी आपके कैंसिल हो रहे थे, आपके ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम डेट 3 मई के आसपास थी उसे कैंसिल किया गया, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जिसकी वैकेंसी आपकी आने वाली थी उस वैकेंसी को साइड कर दिया गया और उसके बदले एक नई वैकेंसी निकाल दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, फंड की जरूरत थी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो नया विधानसभा भवन कहां से बनता, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो विधायकों के पेंशन में या विधायकों के जो आपके जो उनके जो मासिक वेतन है उसमें वृद्धि कैसे हो जाती। गवर्नमेंट, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा विधायकों के मासिक वेतन में वृद्धि की गई है, नया विधानसभा भवन बनाया जा रहा है, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे प्रदेश के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तो चलो आपका एक हद तक सही भी है, लेकिन थोड़ा सा इधर छात्रों को ध्यान, छात्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना है। अभी प्रदेश सरकार जो है हमारे प्रदेश को कुल मिला के कृषि प्रधान राज्य बनाने के लिए आपकी तुली हुई है, तो शिक्षित बेरोजगार कहाँ जाए, जाके गोबर उठाए। बीच में न्यूज़ आया था जब लॉकडाउन लगा था, तो जितने भी आपके PSC और व्यापम की तैयारी करने वाले छात्र अपने घर चले गए थे और घर जाकर के वो मनरेगा के मजदूरी में जा रहे थे, ये नौबत तक आ गई है। और सरकार बताती है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कम है, तो क्या शिक्षित बेरोजगार को मनरेगा के बेरोजगारी में लगा करके मनरेगा के तहत रोजगार देना, ये आप रोजगार दर को सही सलामत बताना समझते हैं क्या।
रोजगार के परसेंटेज से खेलना सरकार को आ चुका है। मनरेगा के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिखा करके गवर्नमेंट अपनी रोजगार दर को, बेरोजगारी दर को कम बताना आ चुका है। आप लोगों की आबादी जो है, जो शिक्षित जो बेरोजगार है, जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो एकजुट तो होइए पहले। जब तक एकजुट नहीं होंगे, सबके सब मिलकर किसी एक मुद्दे पर आवाज नहीं उठाओगे, किसी के कान में आवाज पहुंचने वाली नहीं है। तो सही जगह पर आवाज उठाइए। कोई आपका फेसबुक या आपके व्हाट्सएप अकाउंट या आपके ट्विटर अकाउंट से कोई आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन बातों को, शब्दों का चयन करके रखिएगा। कोई ऐसे बातों को, मैं आपको वीडियो में 10 बार बता रहा हूं, बातों का, शब्दों का चयन करके करना है। कोई भी अपशब्द या कोई भी हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक? तो ये चीजों को पहले फॉलो कीजिए। आज पहले ट्विटर अकाउंट बनाइए और कल सुबह 10 बजे तक सभी ट्वीट कीजिएगा। सभी के सभी को ट्वीट करना है, और जो भी ट्वीट करके आएगा वो YouTube के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना कि सर हमने ट्वीट किया है, ठीक है? या तो ट्विटर में मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें जाकर के मेरे को रीट्वीट कर देना, ठीक? तो चलिए देखते हैं, आप लोग के लिए अब आवाज़ तो उठाए हैं, कहाँ तक आप लोग इसको सार्थक करते हैं ये पता चलेगा, ठीक है? चलिए।